गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो जन्माष्टमी फेस्टिवल नियर है ना। और आपको ये भी पता है जन्माष्टमी फेस्टिवल लॉर्ड कृष्णा का बर्थ उस दिन हुआ था, इसलिए हम इसको फेस्टिवल मनाते हैं। तो आपको पता है लॉर्ड कृष्णा का फेवरेट एसेसरी में से एक पिकॉक फेदर भी है, तो क्यों ना हम पिकॉक फेदर को यूज करके एक हैट बनाए। बट पिकॉक फेदर की जगह हम पेपर से पिकॉक फेदर बनाएंगे और उसकी हैट बनाएंगे, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स सी इसके स्टेप्स क्या हैं और हमें इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसमें पेपर कटिंग से पेटल्स बनानी है ऑफ ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर। जैसे आपने देखा होगा पिकॉक फैदर में भी ये कलर्स मोस्टली यूज़ होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। ओके, ऐसे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आप अपनी तरफ से भी कोई कलर यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो। हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे जिससे कि हमें याद रहे हमने कौन सा पेटल कब यूज़ करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, उससे अब हम सबसे छोटे पेटल से स्टार्ट करेंगे। डार्क ब्लू पेटल को लाइट ब्लू पेटल में हम पेस्ट करेंगे। डार्क ब्लू पेटल पे हम फेविकॉल लगाकर इसको लाइट ब्लू पेटल पर हम पेस्ट कर देंगे, या जो भी आपने कलर यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटे वाले पेटल को उससे बड़े वाले पेटल पे लगाएंगे। ऐसे हम सारे पेटल्स के साथ करेंगे। ब्लू पेटल के को अब हम रेड पेटल पे लगाएंगे। छोटे पेटल से स्टार्ट करके हमें बड़े पेटल तक लेके जाना है, ठीक है। सेंटर पे लगाना है, एजेस देख लेना कि बच रहे हो, ठीक है। सेंटर पे हम बिल्कुल पेस्ट करेंगे, यस। अब रेड पेटल को हम येलो वाले पेटल पे लगाएंगे इस तरह से। अब ग्रीन वाले पेटल पे हम जो येलो पेटल है बिल्कुल बीच में पेस्ट करेंगे, ओके, जिससे नीचे का पोर्शन भी बचे। इस तरह से फेविकॉल लगाकर आप इसको येलो ग्रीन वाले पे पेस्ट कर देंगे बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने सारे पेटल्स पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको सीजर की हेल्प से इसके एजेस कट करेंगे जिससे कि ये एक फेदर का लुक आए। आप सीजर को यूज़ करने के लिए अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आपने यहाँ फेस किया था सीजर को, उसी तरह से सीजर पकड़ेंगे आप, ठीक है, यस। ऐसे एक तरफ डायरेक्शन में आपके फेदर की कटिंग होगी। थोड़ा गैप देके कट करना और बहुत ध्यान से कट करना। ये हमने कटिंग कर ली है इसकी, ऐसा लुक आया है इसका फेदर जैसा। ओके, अब हमने स्ट्रिप ली है, ये आप कोशिश करिए अपने हेड के साइज की हो तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम एक सर्कुलर फॉर्म में हम पेस्ट कर देंगे। फेविकॉल या हम स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं, पर स्टेपलर का यूज़ करने के लिए हमें किसी एल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी हेल्प ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। फेविकॉल यूज़ करिए। ये सर्कुलर में हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इस फेदर को हमें इसके ज़्यादा अच्छा होगा इसके जॉइंट पे लगाएं हम, जिससे कि ये जॉइंट छुप जाए। इसको हम डायगनली लगाएंगे ऐसे, जिससे थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, ठीक है। और इसकी हम जो एज में बच रहा है एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। और हम फिर अब इसको फेविकॉल से पेस्ट करेंगे। नीचे की पार्ट पर फेविकॉल लगाएंगे क्योंकि हमें वही पार्ट पेस्ट करना है।
इसको जहाँ पे हमने जॉइंट किया था वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ हमारा जॉइंट आ रहा है सर्कुलर का, और ये एज हमने कट कर दी है, एज से एज को मिलाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। जहाँ से आपको लग रहा है पेस्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप फेविकॉल लगाएंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे इस तरह से। यस, थोड़ा सा टैप करके इसको अच्छे से हम पेस्ट करेंगे। ये हमारा बन गया है पिकॉक फेदर हैट। बहुत इजी है ना, आप इसको ट्राई करिए और आप इसको फिर डोजो ऐप पे अपलोड कर सकते हैं या हमें सेंड कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी। आप इसको कैसे भी डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज पार्ट को आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे से अपने अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स।